नमस्कार, मेरा नाम वीरेंद्र दुबे है। मैं बिहार का रहने वाला हूँ और 1985 से नॉर्थ ईस्ट में अलग अलग संगठनों के द्वारा चलने वाले सेवा कार्यों के लिए मैं सेवा व्रती के रूप में काम कर रहा हूँ। अरुणाचल प्रदेश में मैं 1999 के लास्ट में आया और उस समय से अरुणाचल विकास परिषद के साथ में एक पूर्णकालीन कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। अरुणाचल विकास परिषद अरुणाचल में अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम की ही प्रांत इकाई है। इसका काम 1989 में शुरू हुआ और पहले द्वारिकाचार्य जी करके एक संघ के प्रचारक थे, कल्याण आश्रम के पूर्णकालीन कार्यकर्ता थे, वो आए और उन्होंने यहाँ काम शुरू किया। और 1993 में कल्याण आश्रम की प्रदेश इकाई के रूप में अरुणाचल विकास परिषद का गठन हुआ, इसका रजिस्ट्रेशन हुआ और उस समय से 93 से एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन के रूप में एनजीओ के तौर पर अरुणाचल विकास में काम कर रहा है। शुरू में इसको कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए अलग अलग प्रांतों में भी यहाँ कार्यकर्ताओं को लेकर गए। उस समय बहुत प्रमुख व्यक्ति श्री तालुंग रुकबो जी गए और तालुंग रुकबो जी को ने प्रथम अध्यक्ष फाउंडर प्रेसिडेंट और रोइंग में जतन पुलो जी हैं उनको फाउंडर जनरल सेक्रेटरी के रूप में करके कमेटी बना था। और उस समय से अलग अलग प्रकार के सेवा काम के द्वारा यहाँ का जो जनजाति समाज है उसको सभी प्रकार से सर्वांगीण विकास, जो कल्याण आश्रम का मुख्य उद्देश्य है कि जनजाति समाज का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, उसके लिए अनेक प्रकार के प्रकल्प के माध्यम से, संगठन के माध्यम से काम चल रहा है। मुख्य रूप से जो अरुणाचल विकास से काम है वह सेवा में शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दो प्रकार का काम चलता है। आर्थिक के विकास के लिए भी अलग अलग प्रकार के वोकेशनल ट्रेनिंग के कोर्सेज, किसानों के लिए ग्रामों में उनकी ट्रेनिंग, कहीं कुछ उनको फिशरी का, गोटरी का भी ट्रेनिंग, इस प्रकार के काम आर्थिक विकास के और सेवा के कर रहे हैं। मुख्य रूप से काम जो और है वह है यहाँ के जनजाति समाज की अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखना। इनके ऊपर भी बहुत प्रकार से बाह्य संस्कृतियों का आक्रमण हो रहा है, तो उनको बनाए रखने के लिए भी सांस्कृतिक पहचान और राष्ट्र की मुख्य धारा से यहाँ के नौजुवक और जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे भी और ज़्यादा प्रखरता से उनके बीच में राष्ट्रीय भावना और प्रखर हो, इसके लिए यूथ लोगों के बीच में और यूथ लोगों को राष्ट्र के अलग अलग सेवा कार्यों में आने के लिए युवा फॉर सेवा, इस प्रकार से भी अपने प्रोजेक्ट चलते हैं। उसके अंतर्गत खेल कूद के भी प्रोग्राम हैं। प्रत्येक वर्ष हम लोग गाँव में ग्राम स्तर से लेकर प्रांत स्तर और तक के खेल प्रतियोगिता का आयोजित करते हैं और उसमें से चुने हुए खिलाड़ियों के अखिल भारतीय स्तर पर भी पार्टिसिपेट करने के लिए जाते हैं। इस प्रकार का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है पूरे अरुणाचल में, अरुणाचल विकास परिषद का है। अरुणाचल में लगभग 3500 गाँव हैं और उसमें से 2000 से अधिक गाँवों में विकास परिषद का डायरेक्ट लाइव कॉन्टैक्ट है और हर एक गाँव में कोई ना कोई कार्यकर्ता है। शिक्षा के देखें तो अपने 3 स्कूल हैं, जो स्कूल क्लास 8 तक है, मिडिल स्कूल हैं और बालवाड़ी हैं। लगभग 40 गाँव में अपने बालवाड़ियाँ चलती हैं और इन बालवाड़ियों के और स्कूल के माध्यम से लगभग 3000 से ज़्यादा छात्र अपने स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं और इनको पूरा चलाने के लिए सब मिलाकर 150 के लगभग में अपने कार्यकर्ता गाँव में हैं। दूसरा जो बड़ा कार्यक्रम चलता है सेवा का वो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। अपने साथ में एक डॉक्टर हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर है और उनके माध्यम से अपने 150 से अधिक गांवों में विलेज हेल्थ वर्कर, जिनको हम लोग 7-8 दिन की ट्रेनिंग देकर, 10 दिनों की ट्रेनिंग देकर और 8-10 मेडिसिन सिखाते हैं और उन मेडिसिन के माध्यम से जिनका कोई साइड रिएक्शन नहीं है, किसी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव नहीं होने वाला है और वो गाँव में रहते हैं, गाँव में किसी को थोड़ी कुछ छोटी मोटी बीमारियाँ हुई तो उनको उसको प्राथमिक उपचार करना और उसके बाद उनके और अधिक फर्दर ट्रीटमेंट के लिए उनको शहरों तक पहुंचाना, ये अपने विलेज हेल्थ वर्कर करते हैं। ऐसा 150 गांव में है। प्रत्येक वर्ष लगभग 60 से 65, कभी कभी 70 भी
गांव में रूरल एरिया में विलेज हेल्थ वर्कर के माध्यम से बाहर के आए हुए डॉक्टरों के द्वारा और अपना जो है एक परमानेंट डॉक्टर है उनके द्वारा मेडिकल कैंप भी करते हैं। और इस प्रकार से लगभग 70-80 हज़ार लोगों को हम लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष बेनिफिट देते हैं। कल्चर करने के दृष्टि से यहाँ के लोगों में इंडिजिनियस फेथ एंड कल्चर सोसाइटी बहुत बड़ा काम कर रहा है। अलग अलग सभी जनजातियों में भी उनके फेथ और कल्चर के लिए संगठन बने हैं। उन संगठनों के द्वारा संगठनों के साथ मिलकर इनका समय समय पर इनका सम्मेलन करना, इनमें जन जागरण पैदा हो। और दिसंबर नवंबर ये दो महीने में व्यापक जनसंपर्क चलता है, जो गांव-गांव में घर घर में डोर टू डोर कॉन्टैक्ट, उसमें इनके सांस्कृतिक से लेकर धर्म से लेकर फेथ से लेकर जितने भी बातें हैं वो घर घरों में अपने कार्यकर्ता इन प्रकार के जो अलग अलग फेथ ऑर्गेनाइजेशन सीबीओज हम लोग बोलते हैं उनके द्वारा जो और विकास परिषद मिलकर काम करते हैं। इसके लिए इनको अलग अलग प्रकार के लिटरेचर देना, लॉकेट देना, उनके जिन पर आस्था है इस प्रकार के फ्लैग देना, इस प्रकार के एक व्यापक संपर्क अभियान चलता है। इसका एक परिणाम जो हुआ है कि यहाँ के जनजाति समाज में एक बहुत बड़ा जन जागरण हुआ है और उस जन जागरण के कारण लोगों में अपनी स्वधर्म, स्वसंस्कृति, स्वभाषा की रक्षा के लिए बहुत बड़ा एक अभियान की दिशा शुरू हो गया है। और लोग यूथ खासकर पढ़े लिखे लोग इस काम में विकास परिषद के साथ में जुड़ गए हैं और इस काम को कर रहे हैं। इस प्रकार से एक बहुत बड़ा जन जागरण के द्वारा राष्ट्र निर्माण जो और साथ में यहाँ का समाज अपने पैरों पर खड़ा हो, चाहे वो आर्थिक विकास करने की दृष्टि से हो, शैक्षिक विकास करना है और समाज के लिए मुझको कुछ देना है, इस प्रकार के काम करने वाले यूथ युवा यहाँ तैयार होना शुरू हुए हैं। और ऐसा हमको लगता है कि आगे 10-15 वर्षों में एक बहुत बड़ा यूथ पावर जो है वो बनेगा और वो अरुणाचल को विकसित करने में बहुत बड़ा योगदान देगा। हम आगे अभी 3-4 सालों में ऐसा सोच रहे हैं कि अपना जितना भी गांव है प्रत्येक गांव में अपना संपर्क हो और लगभग 1000 से ज़्यादा गांव में यहाँ कम्युनिटी एक्टिविटी सेंटर के रूप में निर्माण हो। अभी लगभग 600 गांव में बना है लेकिन 3 साल के अंदर और बनकर 1000 गांव में कम्युनिटी एक्टिविटी सेंटर बने और उन सभी गांवों में कोई ना कोई विकास परिषद का सेवा प्रकल्प चले, चाहे वो शिक्षा का प्रकल्प हो सकता है या स्वास्थ्य का प्रकल्प होगा। इस प्रकार के काम अपने गाँव में करने का 3-4 साल के अंतर्गत है और आगामी लंबे समय तक अगर सोचा जाए तो आगामी 20 वर्षों में अरुणाचल के प्रत्येक गांव में विकास परिषद के द्वारा कोई ना कोई प्रकल्प स्थापित हो और वहां प्रकल्प चलाने के लिए उसी गांव से कार्यकर्ता का निर्माण हो और वो जो कार्यकर्ता यूथ में पूरी प्रकार से देशभक्ति की भावना के यहां के लोगों में है ही और प्रखर अपनी संस्कृति की रक्षा, देश की रक्षा, धर्म की रक्षा और समाज के विकास में सहयोग करें, ऐसा हम लोगों ने एक टारगेट रखा है। और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से काम चल रहा है तो आगामी 10-15 वर्षों में हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। सेवा इंटरनेशनल ने अपने 2 स्कूल, एक रागा में जो कि हुतो मिडिल स्कूल के नाम से चलता है, उसके बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए सहयोग किया है और उनके द्वारा दिए हुए सहयोग के माध्यम से 10 क्लासरूम बन के तैयार हो गए हैं और वहाँ शिक्षा चल रहा है, क्लास 8वीं तक है और बहुत अच्छे प्रकार से, पहले अपने कच्चा घर था वहाँ चलता था लेकिन अभी उस बिल्डिंग बन गई है और उस बिल्डिंग में क्लास शुरू हो गया है। दूसरा जो है वो नामसाई करके जगह है, नामसाई में भी ग्राउंड प्लस 2 3 स्टोरेज बिल्डिंग एक बन रही है जहाँ की स्कूल भी चलेगा और उसमें अलग अलग प्रकार के वोकेशनल ट्रेनिंग के सेंटर भी हम लोग खोलेंगे। ऐसा वो लगभग 90% बिल्डिंग तैयार हो गया है और इस वर्ष अप्रैल से जून तक 2021 में वह काम करने लायक हो जाएगा, ऐसा उम्मीद है। फिर वहाँ स्कूल और वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर चलाएंगे। इसके अलावा वांगचू लैंग्वेज को प्रिजर्वेशन के लिए वांगचू लिटरेरी मिशन और अरुणाचल विकास परिषद मिलकर
सेवा इंटरनेशनल के सपोर्ट से, उनके टीचरों का ऑनेडियम सेवा इंटरनेशनल के द्वारा आता है। हम लोग वांसुई लैंग्वेज के लिए भी, प्रिजर्वेशन के लिए भी चल रहा है। गाँव में यूथ लोगों को अपना एक प्रोजेक्ट है, कल्चर एंड स्पोर्ट्स सेंटर। तो उस कल्चर एंड स्पोर्ट्स सेंटर यूथ लोगों को जोड़ने के लिए, जहाँ यूथ लोग आएँ, स्पोर्ट्स भी करें और कुछ कल्चर एक्टिविटी भी करें। तो वहाँ अभी तक 51 गाँवों में कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी सेवा इंटरनेशनल के सहयोग से हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया है। और वहाँ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की ट्रेनिंग, उसके द्वारा यूथ लोगों का एक जगह गैदरिंग होना और अच्छे से भजन गाना, अच्छे से गीत गाना और उसके माध्यम से अच्छे संस्कार पाना, इसका एक सेवा के माध्यम से बहुत अच्छा कार्य गाँव में यूथ लोगों के लिए हो रहा है। फिर गांव में जो हम लोग कल्चर एक्टिविटी सेंटर ऐसा जो बना रहे हैं, हालांकि गांव के लोग अपने सहयोग से बनाते हैं, लेकिन गांव में चूँकि बहुत इतने साधन नहीं है कि अच्छे से बिल्डिंग बना सकें, तो सेवा उसके लिए भी सहयोग कर रहा है। और ऐसे 100 गांव में सहयोग करने का सेवा ने आश्वासन दिया है कि वहाँ गाँव में कल्चर एक्टिविटी सेंटर बनाने में सहयोग करेंगे। और लगभग अभी तक 30 बन के तैयार हो चुके हैं, जिसमें सेवा ने अलग अलग प्रकार से धन के द्वारा सहयोग किया है और उसका भी लाभ हो रहा है।